ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है और जो किसानों की मांगे हैं उसमें सबसे ऊपर ये बात रहती है कि इन सभी बिलों को जो सरकार लेकर आई है उन सब को खत्म किया जाए, उसके बिना कोई विकल्प नहीं। ये क्या है, ये बिल क्या है, इस कानून के कौन से प्रावधान हैं जो सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं किसानों को, आपको वो भी दिखाते हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि तीनों बिल जो है, किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। मंशा कृषि सुधार की थी पर किसान काला कानून कह रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं मामला क्या है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून किसानों को उनकी उपज कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर बेचने का अधिकार देता है। एपीएमसी सरकारी नियंत्रण वाली मंडियां होती हैं। नया कानून किसानों को कई विकल्प देता है ताकि जहां भी वो चाहें अपनी फसल बेच सके। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून किसानों को कृषि कारोबार करने वाली कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों या खुदरा व्यापारियों से सीधा जोड़ता है। फसल या कृषि उत्पाद का दाम पहले ही तय करके किसान उसे कारोबारियों के साथ करार से जोड़ सकते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया। आपातकाल स्थिति को छोड़कर इनके संग्रह की कोई सीमा नहीं है। वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। अब समझिए कि किसान नाराज क्यों। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार उनके राज्यों में बने कृषि उत्पाद खरीद सिस्टम को दूसरे कानून से बदल देना चाहती है। किसानों का मानना है कि बेहतर प्लेटफॉर्म देने के नाम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का अधिकार छिन जाएगा। किसानों को तीसरा डर इस बात का है कि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की सरकारी तरकीब हो सकती है। सी एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि जो भी इसमें कानून इन्होंने पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं। हमारे किसानों के अधिकार उसमें ख़त्म हो जाते हैं। जो कारपोरेट सेंटर हैं उनको बैठाया जाएगा। एमएसपी ख़त्म की जा रही है। एमएसपी खत्म होने की वजह से अभी से इसी साल से इसका असर दिखाई देना शुरू हो। वो रद्द किया जाए और एमएसपी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पैर पीछे नहीं हटा सकती। सरकार जवाबदेह है हर फसल पे, हर मुद्दे पे सरकार की जवाबदेही है। हम यहाँ बैठे, हमें मजबूर किया है कि सरकार ने, तो हम सरकार से बेनती करते हैं आप हम पैर पीछे मत खींचे, ये धरना चलता रहेगा। ये मुकरन वाला नहीं लंगर उदों तक चलेगा जदों तक कोई फैसला ना होया, जदों तक कोई फैसला ना होया उन्ना चिर चलेगा। इस तो भी ज्यादा होगा, शंका भी होर ज्यादा होनगिया। अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। सबसे बड़ी दिक्कत है वो एमएसपी की है। वो कैसे है कि जिस तरह देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है उसी तरह किसान की कोई भी जो फसल है वो फसल का रेट नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए किसान को बहुत दिक्कत है। 23 फसलों पर एमएसपी लागू होती है लेकिन सरकार धान और गेहूं की ही खरीद करती है। किसानों को डर है कि नए कानूनों के चलते सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एक सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज्यादातर क्यों दिख रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि इन दो राज्यों के किसानों को ही इस कृषि सुरक्षा व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
पंजाब का 89% और हरियाणा में पैदा होने वाला 85% चावल सरकार तय एमएसपी पर खरीदती है, जिसकी वजह से उपज मूल्यों को लेकर यहाँ के किसानों के मन में कोई दुविधा नहीं रहती, बल्कि उन्हें इन फसलों को उगाने के लिए ही पैसा मिलता है। जिसकी वजह से देश में दालों की तो कमी रहती है, जबकि गेहूं और चावल अतिरिक्त रूप से एफसीआई के गोदामों में भरा रहता है। ये इस सारे मामले में एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये है कि जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। किसानों को ये भी लगता है कि इन कानूनों के बाद उन्हें अपनी फसलों को लेकर बड़े उद्योगपति घरानों से डील करना पड़ेगा, जिनकी विश्वसनीयता किसानों के मन में संदिग्ध रहती है। यहाँ छोटे मजदूर है ना, उसके लिए इतने खतरनाक हैं कि उसको काम नहीं मिलना है। आगे तो बहुत गरीबी है भारत में, ये बिल लागू हो गए तो किसी को काम नहीं मिलना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।